अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। साइकिल की सवारी छोड़ हाथी पर सवार हुए चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा। ललितपुर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने गुड्डू राजा को ललितपुर सदर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो वहीं महरौनी विधानसभा सीट से किरण रमेश खटीक को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला दो बार के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र हैं। गुड्डू राजा बुंदेला इससे पहले 2009 और 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं। अब ललितपुर विधानसभा सीट का चुनाव बड़ा रोचक मोड़ पर आ गया है। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम पचौरी की रिपोर्ट। पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी की यहाँ जीते, तो बताना बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन चूंकि टाइम कम है, 15-20 दिन का चुनाव है, पूरे अभी एक ही चरण में चुनाव है, 30 चरण में, तो सब जगह तो नहीं जा पाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगी बहन जी आदेश देंगी, हम वहाँ जाएंगे और सब जगह अपनी पार्टी की मदद करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हर समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, कई पार्टियां हैं जो एक वर्ग के लिए हैं, लेकिन हमारी पार्टी सब समाज के लिए है, उसको मजबूत करना है और लोगों को, तमाम लोगों को जोड़ना है। कई तमाम लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो सबका स्वागत करता हूं, पार्टी के सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका स्वागत करता हूं। और सब समाज के सब लोग हमारे हैं, हमारे पत्रकार साथियों, आप लोगों के लिए, हमारे लिए जो भी है, हम आपके साथ हैं। आपके लिए जो कोई भी दिक्कत है, आपके परिवार के रूप में आपकी सेवा करूंगा, मदद करूंगा, कोई भी कष्ट हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। और परिवार के लिए जो ललितपुर में कुछ लोग जो गुंडागर्दी के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी। हर पोलिंग पर हमारा हमारा प्रत्याशी जो है, आपका प्रत्याशी है, वो मजबूत है और आपका ललितपुर और महरौनी दोनों सीटें जीतेंगी। कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, कोई भी पोलिंग पर कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा।